छत्तरवा हिमाचल दिवस आज पूरे प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जहां लाहौल स्पीति में मनाया गया, वहीं सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजधानी शिमला के रिज मैदान पर भी हिमाचल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी दी। रोहित ठाकुर ने परेड का निरीक्षण किया, जिसके बाद पुलिस एनसीसी एनएसएस होमगार्ड की टुकड़ियों ने सलामी दी। इसके अलावा विभिन्न स्कूलों के छात्र द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। साथ ही छात्रों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि आज के दिन हिमाचल अस्तित्व में आया था और पूरे प्रदेश भर में हिमाचल दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अस्तित्व में आने से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश में विकास में कई नए आयाम स्थापित किए गए और आने वाले समय में भी हिमाचल विकास के पथ पर अग्रसर रहेगा। आज हम सभी हिमाचलियों के लिए हर्ष का विषय है, पावन दिवस है और आज मैं समझता हूँ हमारा प्रदेश छत्तरवा जो हमारे को एक अस्तित्व के रूप में एक अलग क्रांति की इकाई के रूप में हम पूरे भारतवर्ष के मानचित्र में आए थे, आज का दिवस हम सब के लिए बहुत ही पावन है। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हमारे जो सबसे दुर्गम ज़िला है लाहौल स्पीति में है और वहाँ पर जाना एक मैं समझता हूँ एक संकेत है कि हमारी सरकार एक सर्वत्र हिमाचल के सर्वत्र विकास में विश्वास रखती है। एक समान दृष्टिकोण के साथ विकास हो, चाहे वो हमारे लाहौल स्पीति की बात आती, चाहे ज़िला शिमला की बात आती, मंडी की बात आती है और इन्हीं बातों को लेकर हमारा ये कार्यक्रम आज लाहौल स्पीति में रखा गया है। मैं समझता हूँ चाहे शिक्षा क्षेत्र की बात हो, चाहे अन्य क्षेत्रों की बात हो, जो आपके पैरामीटर्स है विकास के मानक होते हैं उसमें निरंतर हिमाचल प्रदेश ने विकास किया है। जहाँ शिक्षा की बात आती है, मात्र 4% के आसपास जो आपका लिटरेसी रेट था आज बढ़कर 84% हो चुका है। जहाँ नाम मात्र आपके 200 के आसपास आपके शिक्षण संस्थान थे आज 15,000 से ऊपर है। एकमात्र कॉलेज था, अब 147 कॉलेज हमारे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के कॉलेजेस और वर्तमान में भी हमारा जो फोकस रहेगा, क्योंकि शिक्षा हमारी मूलभूत आवश्यकता है, वो क्वालिटेटिव एजुकेशन मिले, जॉब बेस्ड एजुकेशन मिले, इन्हीं बातों को लेकर हमारी वचनबद्धता रहेगी। मैंने अपने संबोधन में भी कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी जो हमारी हमारे प्रदेश की मूलभूत आवश्यकता है। हालांकि हमारा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, उसके बावजूद भी चाहे वो सड़कों की बात हो, आज हमारी सरकार टनल्स की ओर सोच रही है, आपके पर्यटन की दृष्टिकोण से हमारा क्षेत्र और विकसित हो, उसके लिए चाहे रोपवेज की बात आती है, कांगड़ा को अलग से मैं समझता हूँ टूरिज्म कैपिटल की श्रेणी में लाने का प्रस्ताव हमारी सरकार का है, कनेक्टिविटी बढ़े, फोर लेनिंग के प्रोजेक्ट्स आपकी तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं, एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट चाहे वो हमारा कांगड़ा की बात हो, मंडी की बात हो, शिमला की बात हो, इन सभी बातों को लेकर हेलीपोर्ट्स को लेकर एक सोच के साथ हमारी सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हालांकि आप जानते हैं जो आर्थिक बोझ हमें पिछली सरकार से मिला, कहने को डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन लगभग कोई 75,000 करोड़ के आसपास का ऋण था, लगभग कोई 11,000 के आसपास की देनदारियां हमारी पेंशनर्स की और कर्मचारी की डीए के रूप में आपकी थी। उसके बावजूद भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इन 5 वर्षों में, जैसे माननीय मुख्यमंत्री का एक सपना भी कि आने वाले समय में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर हो और विशेषकर जो ये कर्जे का एक चक्कर है इससे बाहर आए, इसके निरंतर अपने आय के साधन बढ़ाने का भी सोर्स मोबिलाइजेशन का भी हमारी सरकार हर संभव प्रयास करेगी।